तो राइट गाइस, यार आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइनक्राफ्ट के अपकमिंग अपडेट 1.21 के बारे में, कि क्या इस अपडेट का नाम हो सकता है, कौन कौन से नए नए फीचर इस वाले अपडेट में ऐड होंगे, क्योंकि रिसेंटली माइनक्राफ्ट के काफी सारे इनसाइडर्स ने 1.20 अपडेट के रिगार्डिंग काफी सारे नए नए फीचर्स को रिवील किया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को माइनक्राफ्ट से रिलेटेड ऐसा कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में बहुत ही मस्त मस्त वीडियो इस चैनल पर आने वाली है, एंड आई होप आप लोग इस चैनल पर अपना अच्छा सपोर्ट दिखाओगे। गाइस, शायद से माइनक्राफ्ट का नेक्स्ट अपडेट 1.21 द एक्सप्लोरेशन अपडेट हो सकता है, क्योंकि माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट स्नैपशॉट और बीटा प्रीव्यू के अंदर काफी सारे ऐसे फीचर्स को ऐड किया गया है जो कि वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन को काफी ज्यादा इजी बना देते हैं, एंड जो प्लेयर्स हैं वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। गाइस, कहीं ना कहीं ये वाले जो फीचर्स हैं वो टारगेट कर रहे हैं माइनक्राफ्ट के नेक्स्ट अपडेट 1.21 को, और हो सकता है मोजैंग की तरफ से आगे हम लोगों को अनाउंसमेंट सुनने के लिए मिले एक्सप्लोरेशन अपडेट की। अब इसके बारे में गाइस आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जाकर जरूर बताना। गाइस, क्या आप लोगों को ये पता है कि माइनक्राफ्ट 1.21 अपडेट के अंदर एक न्यू पोर्टल या फिर एक न्यू डायमेंशन भी ऐड हो सकती है, क्योंकि गाइस लीक्स एंड रूमर्स के अकॉर्डिंग माइनक्राफ्ट 1.21 अपडेट के अंदर हम लोग वार्डन सिटी में मिलने वाले पोर्टल को लाइट अप कर सकते हैं एंड जा सकते हैं एक नई डायमेंशन में। अगर मोजैंग ने माइनक्राफ्ट 1.21 में एक नई डायमेंशन को ऐड किया तो सच में यार ये अपडेट प्लेयर्स को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। एंड गाइस, अगर लीक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो माइनक्राफ्ट 1.21 अपडेट के अंदर गेम में एक न्यू स्टोन चेस्ट भी ऐड हो सकती है, जो कि खुलने पर एक वीयर सा साउंड करेगी। एंड जहां तक मैंने इस चेस्ट के बारे में रिसर्च की तो ये वाली जो चेस्ट है वो 1.19 द वाइल्ड अपडेट के अंदर ऐड होने वाली थी, बट कुछ कारणों की वजह से इसे ऐड नहीं किया गया। अब ये वाली चेस्ट हम लोग को 1.21 अपडेट के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। एंड गाइस, इसी के साथ साथ गेम के अंदर ऑटो क्राफ्टिंग का फीचर भी ऐड होने वाला है, और एक नई टाइप ऑफ बोर्ड भी हम लोग को गेम के अंदर देखने के लिए मिलेगी, जो कि है स्पाइस बोर्ड। एंड अगर इन फीचर्स के बारे में मेरे को और जानकारी मिलती है तो मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। तो या गाइस, आज की इस वाली वीडियो में तो बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड आई होप आप लोग इस नए चैनल को अच्छा सपोर्ट दिखाओगे, और आई स्वेयर आप लोग फ्यूचर में बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो में लेके आता रहूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।